जय हिंद राष्ट्र। राष्ट्र बहुत बेचैन है। जो सोशल मीडिया का माध्यम मिला है, इसके ज़रिए से एक बड़े पैमाने पर तिलमिलाहट, चिंता, कष्ट का भाव, उद्विग्नता दिखाई दे रही है। और उसका कारण ये है कि जिन्हें हम हिंदू कहते हैं या जिन्हें संसार हिंदू कहता है, हम वो इस बात से चिंतित हैं कि क्या हिंदू मिट जाएंगे। दिखाई तो देता है, सारा मध्य एशिया, हमारे पांच वर्ग हैं, ये एक हाथ की पांच उंगलियां हैं, जैन, बौद्ध, सनातनी, आर्य समाजी और सिख, ये पांच वर्ग हैं। इसमें एक बड़ा वर्ग बौद्ध सारे विश्व में, कहना चाहिए, धर्म की पताका फहराती रही। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कियो और ये सिंक्यांग और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और वगैरह, इंडोनेशिया और थाईलैंड और दुनिया के देश, इन सारे क्षेत्रों से हिंदू मिट गए। देश जितना बड़ा था, हम राजनीतिक सत्ताओं में उस प्रकार की जैसी आज है वैसा विश्वास नहीं करते थे। हमारे बहुत सारे राज्य थे, मगर थे तो सब में एक हम भावना थी। सन्यासियों का सब आदर करते थे, वेद को सब मानते थे, ग्रंथों का सब सम्मान करते थे, आपस में मतभेद हों तो भी तर्क वितर्क से काम करते थे, गले नहीं काटते थे। ये संस्कृति सिमट रही है, तो इसकी चिंता जायज है, वाजिब है, ठीक है, उचित है, अनुकूल है या नहीं? क्या हिंदू मिट जाएंगे? हिंदू क्या है, मैं पहले थोड़ा इस पर बात करूं। हिंदू शब्द मूलतः हमें विदेशियों ने दिया है। विदेशी भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहां भी अपनी संस्कृति के, अपनी ही आर्य परंपरा के लोग थे। विदेशी, बाह्य संस्कृति ने हमको ये शब्द दिया है। और हिंदू का जो अर्थ है अब नहीं मिलता। पुराने 1920 से पुराने शब्दकोश अरबी के, उर्दू के, फारसी के देखिए तो उसमें मिलेगा। शब्दकोश में, उर्दू के शब्दकोश जिसे लुगत कहा जाता है, लुगत में हिंदू का अर्थ है काफिर, चोर, गुलाम। उसका कारण यह है कि भारत जो एक स्वाभाविक देश है, समुद्र और हिमालय से घिरा हुआ, उसके बीच का पूरा क्षेत्र, इसमें चाहे 1000 राज्य हों या 10 राज्य हों, चक्रवर्ती सम्राट कितने हों, चक्रवर्ती सम्राट न हों, वो व्यवस्था खंडित हो रही हो, क्षीण हो रही हो, जैसा भी हो, मगर ये पूरा एक स्वाभाविक देश है। इस देश में बहुत सारी राजसत्ताएं थीं, मगर राष्ट्र एक था। खान पान अलग था बहुत सारे क्षेत्रों का, बोली भिन्न थी, पांच कोस पर पानी बदले 20 कोस पर वाणी, ये कहावत है हमारे यहाँ। तो पांच कोस पर पानी बदल रहा है और 20 कोस पर बोली बदल रही है, जिसे हम बोली कहते हैं, जैसे हिंदी। हिंदी के कितने डायलेक्ट हैं। मगध में जो हिंदी बोली जाती है, बनारस में जो हिंदी बोली जाती है, मेरठ के क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है, ब्रजमंडल में जो हिंदी बोली जाती है, उनमें ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। जिसे हम बंगला कहते हैं उसमें कितने डायलेक्ट्स हैं, जिसे हम गुजराती कहते हैं उसमें जाने कितने डायलेक्ट्स हैं, जिसे तमिल कहते हैं उसमें जाने कितने डायलेक्ट्स हैं। थोड़े थोड़े अंतर से सारी प्रकार की भाषाएँ काम कर रही हैं। भाषाएँ भिन्न हैं, खान पान भिन्न है, पहनावा भिन्न है। असम में मेखला चादर पहनते हैं, राजस्थान में भेस पहना जाता है, कहीं साड़ी पहनी जाती है, कहीं धोली धोती पहनी जाती है। स्त्रियों के धोती पहनने के 25 ढंग हैं, पुरुषों के धोती पहनने के 10 ढंग हैं। इन सब के बावजूद हमारे अंदर एक हम भावना थी, कुछ जीवन मूल्यों का सम्मान था हम पांचों में, इन सारी बातों के बावजूद। तो हमारी सत्ता क्या थी, हम इसमें पढ़ते ही नहीं थे। विष्णु के उपासक, विष्णु के अवतारों के उपासक, राम के, कृष्ण के, वो सारे वैष्णव कहलाए। शिव के उपासक, शिव के परिवार के उपासक शैव कहलाए, कहलाते थे।
भगवती दुर्गा के, छिन्नमस्ता के, काली के इत्यादि जो स्वरूप हैं भगवती के, वो सारे के सारे शाक्तों में सम्मिलित हुए उनके अंदर आते थे। भिन्न प्रकार के, दसों प्रकार के पूजा उपासना पद्धतियां। इससे पहले वैदिक काल था, वैदिक काल के देवी देवता भिन्न थे, ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के नाम इंद्र, मरुत, पवन, बहुत सारे नामों से ईश्वर की शक्तियों को हम पुकारते थे, यज्ञ करते थे इनमें। मगर इसके बावजूद हम एक दूसरे के सिर नहीं फोड़ते थे। ऐसा नहीं था कि शाक्तों ने तलवार निकाल ली और वैष्णवों के गले काट दिए और वैष्णवों ने शवों के गले काट दिए। रोमिला थापर जैसी दुष्ट महिला जिसने विशेष रूप से इस पर काम किया है, आजकल ये पुनियानी बहुत कम वक्त ऐसी बातें कर रहा है, और इस तरह के लोगों ने बहुत कोशिश की ये समझाने की। कि आपस में हिंदुओं में मतभेद थे, हिंदू एक दूसरे के मंदिर तोड़ते थे। शास्त्रों में इस तरह की चूहलबाजियाँ चकल्लस मिल जाएगी कि आप पागल हाथी मारने आओ तो जैन मंदिर मत जाना, और जैन आचार्यों के यहाँ भी मिलेगा कि पागल हाथी मारने आ रहा हो तो सनातनी मंदिर में मत जाना। ये आचार्यों की एक दूसरे की से ठिठोली है। जैन और सनातनियों में रोटी बेटी के संबंध, एक दूसरे से विवाह, रक्त संबंध सामान्य बात है। बौद्धों के साथ, सिखों के साथ, आर्य समाजियों के साथ, सनातनियों के साथ आपस में सब प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो एक दूसरे के प्रति कठोर वातावरण है, ऐसा कि एक दूसरे को नष्ट करने पर उतारू हूँ, सिर फोड़ने पर उतारू हूँ, जैसा ये रोमिला थापर और इस तरह की चंडाल मंडली कहती है। इतिहास के संकलन के दो तीन तरीके हैं। एक तो श्रौत परंपरा है कि भाई लिखित में नहीं है मगर समाज में जनश्रुति है, बातचीत में है। जैसे सोमनाथ पर महमूद गजनबी के 17 आक्रमणों का एक भी उल्लेख भारतीय वाङ्मय में नहीं है, किसी भारतीय पुस्तक में, भारतीय परंपरा की किसी चीज में कहीं उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख ईरान से मिलता है, मगर श्रौत परंपरा है, सामान्य में जनश्रुति है कि सोमनाथ पर हमारे आक्रमण हुए, महमूद गजनबी ने हम मंदिर तोड़े हमारे, ये सामान्य जनश्रुति है। दूसरे लिखित में कहीं कुछ होगा, शिलालेख मिलेंगे, पुस्तकों में मिलेगा, किसी नवाब ने, किसी राजा ने, किसी पुरोहित ने कहीं इसको दर्ज किया होगा कि जैन मंदिर किसी ने तोड़ा, बौद्ध मंदिर किसी ने तोड़ा, शिलालेख मिलेंगे कहीं किसी ने। तो ऐसी बढ़ मारी है एक बंगाल के राजा का, ये है कि जैन आचार्य, जैन मंदिरों को तोड़ने वाले को ये पुरस्कार मिलेगा। दूसरा एक उल्लेख है कश्मीर का कि वो वहाँ के राजा का जो प्रधानमंत्री था उसका बेटा वो मंदिरों में मलमूत्र भरे हुए घड़े फेंकवाता था। कल्हण राजतरंगिणी का लेखक कल्हण इसको लिखता है कि ये तुर्क हो गया था, यानी मुसलमान हो गया था। मगर कहीं भी चार, केवल चार उदाहरण ऐसे कहीं इस पुष्ट प्रमाणों के साथ कि जहां एक मत के लोगों ने दूसरे मत के साथ दुष्टता की हो, अन्याय किया हो, किसी के साथ में नहीं मिलता। चाहे कितना हमारे नवबौद्ध उल्टे लटक जाएं इतिहास को लेकर, बल्कि अब तो कुछ और चीज़ें निकल के आई हैं, पुष्यमित्र शुंग को लेकर बहुत काएं 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 करते हैं। अब तथ्य निकल कर आए कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य था, ब्राह्मण नहीं था, यानी बृहदत्त को मारने वाला उसी के परिवार का, उसी के संबंध का आदमी है। चाहे कितना कुछ कर लीजिए, बहरहाल ऐसा है। तो ये आपस में नहीं, तो इनके बीच में अगर किसी ने इनको हिंदू कहा तो क्यों कहा, इन्हें गुलाम काफिर चोर क्यों कहा। परंपरा रही है, महाभारत में इसका है कि एक समय ये भी था जब राजा नहीं था, न दंड था न दांडिक थे, दंड व्यवस्था यानी न्याय व्यवस्था नहीं थी, केवल धर्म एक दूसरे को बांध कर रखता था। धर्म के जो 10 लक्षण हैं कि जिनसे जीवन संभव है उनके होने भर से पर्याप्त था। ये राष्ट्र इतना शांतिप्रिय रहा है, फिर इसमें विदेशी आए, विदेशी चिंतन वाले लोग आए
और उन्होंने देखा कि एक फोर्स ही नहीं है। फोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पुलिस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सेना बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि कुछ लोग दुष्ट हुए जिन्होंने समूह बना लिया, इस समूह की दुष्टता से ये डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, घर लूट लेंगे, लड़कियां उठा लेंगे, ग़ुलाम बना देंगे, बाज़ारों में लड़कियों को बेच देंगे, बलात्कार करेंगे, अत्याचार करेंगे। इनसे निपटने के लिए व्यक्ति सक्षम नहीं है। तब इसके लिए समूह बनाया गया जिसका नाम पुलिस या सेना था। तो ये उस मानसिकता के लोग जो इकट्ठे होकर निकले और उनके पीछे चिंतन था इनकी उद्दंडताओं को, इनकी गुंडाई को, इनकी बदमाशी को जस्टिफाई करने वाला एक चिंतन था, कताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो, काफिरों को तकलीफ पहुंचाओ। जैसे अली मियां जो इनमें अच्छा खासा सभ्य आदमी, उसकी इमेज बनी हुई है, ये अरब में मक्का में गए थे, वहाँ इनकी तकरीर है, गऊ की कुर्बानी इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, मगर चूंकि इससे काफिरों को तकलीफ़ पहुंचती है इसलिए हम गऊ की कुर्बानी को जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गऊ की कुर्बानी संभव नहीं है, चोरी छिपे कोई कर दे बात अलग है, तो फिर उसका हाल अखलाक वाला होता है, बिछाड़ा में बछड़ा मार दिया था तो उसका हाल फिर अखलाक वाला हुआ है। चार घर नहीं उस गांव में, उसके बावजूद नंदी बनाने के लिए छोड़ा हुआ बछड़ा उसको हिलाया, गुड़ रोटी खिला खिला के, और उसके बाद काट के हिंदुओं को बकरा बता के खिला दिया, तो होगा। आप परंपराओं का पालन नहीं करेंगे या उसका आदर नहीं करेंगे और उसकी अवहेलना करेंगे और उसको ठोकर मारेंगे तो भाई परंपरा भी तो ठोकर मारेगी। तो खैर, इस चिंतन को जो बाहर से आया उसने देखा कि इनके बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ध्यान रहे ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ बौद्ध यूनिवर्सिटी हैं, ना बौद्धों को भी ध्यान आना चाहिए, इस्लामियों ने जलाई ये ख़त्म किए, बौद्ध विहार इस्लामियों ने जलाए, बौद्ध उन्होंने ख़त्म किए, भिक्षुणियों को निकाल निकाल के बौद्ध विहारों से और वैश्यालयों में बाज़ारों में बेच दिया, ये इस्लामियों का काम है, जिसके कारण आज ये चिंता व्यक्त कर रहा हूँ मैं। और उसका नतीजा ये निकला कि पूरा अफगानिस्तान बिल्कुल सपाट, जो बचे खुचे थोड़े से सिख रह गए थे वो अभी निकल आए, दो चार पाँच दस रह गए होंगे शायद, वो भी इस कारण से कि बाहर जाएंगे तो करेंगे क्या, अपनी धरती यहीं है, अपना मकान यहीं है, अपनी दुकान यहीं है, अपना व्यापार यहीं है, दब छिप के दाढ़ी बढ़ा के मुसलमान की शक्ल बना के वो किसी तरह से जी रहे हैं। ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान बौद्ध क्षेत्र है, जितनी इस्लामियों की बेल्टें हैं ये सारे बौद्ध क्षेत्र हैं, एक झपट में मुसलमान होते चले गए क्योंकि इनके पास लड़ने का कोई साधन नहीं था। तो यही चिंता जो मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ उसमें भी तो यही है कि लड़ने का साधन आज भी नहीं है। आप भरोसे बैठे हैं सरकार के, तो सरकार तो नूपुर शर्मा और राय सिंह वाला हल कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर रही है, पार्टी से निकाल रही है, एक पूरी उथल पुथल वैचारिक स्तर पर हिंदुवादी संगठनों में है। अभी तीन वर्ष पहले दिल्ली में मोहन राव आए थे, पत्रकारों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक और सर कार्यवाह की वाणी अधिकृत वाणी होती है, वो जो कहते हैं वो उनका असली स्वर होता है। किसी पत्रकार ने कोई प्रश्न पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, संघ ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा। तो फिर ठेका किसके पास है, हिंदू समाज की रक्षा कौन करेगा? ये चिंतन बेसिकली हमारे यहाँ चारवाक भी हैं जो वेद की निंदा करते हैं, उसको भी हमने कभी गला नहीं काटा, बौद्ध हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, जैन हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, आर्य समाजी सनातनी वेद को प्रमाण मानते हैं, मगर सनातनी ऐसे हैं कि वेद को प्रमाण मानने के बावजूद उसकी भिन्न व्याख्या करते हैं आर्य समाजियों से, सिख हैं, ये सारे वर्ग एक दूसरे के मतभेद
के साथ जीते हैं, चलते हैं, मगर एक दूसरे पर ढेला नहीं फेंकते। जिसे आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं, इस स्वर्ण मंदिर में पिछली सदी के शुरुआत में मूर्तियां थीं, परिक्रमा में सारी सब प्रकार की मूर्तियां थीं, आज वहाँ एक भी मूर्ति नहीं है। उसके बावजूद सिखों को लड़की देना हिंदुओं ने और सिखों की लड़की से शादी करना आज भी चलता है, आज भी कोई विरोध नहीं किसी का। रक्त के संबंध हैं, इतना उग्रवाद पंजाब में रहा, तकरीबन 2.5% जनसंख्या वहाँ की पंजाब छोड़कर उस आतंकवाद की वजह से दूसरे देश के दूसरे क्षेत्रों में आ गई। उसके बावजूद एक भी घटना पंजाब में सिखों की ऐसी नहीं है कि उन्होंने सामूहिक रूप से हिंदुओं का संहार किया हो। चाहते तो भून के खा जाते। किसी गांव में, गांव के सारे सिखों ने मिलके या आधे से अधिक सिखों ने मिलके वहाँ के हिंदुओं का को प्रताड़ना नहीं दी, कष्ट नहीं दिया, दुख नहीं दिया, बल्कि बचाया होगा। निश्चित रूप से ये हुआ कि बस में से उतार के लोग मार दिए गए, ट्रेन में से उतार के लोग मार दिए गए, मगर उसके पीछे ये है कि पाकिस्तान के आतंकी थे। कोई सिख गला गाय का काट देगा और मंदिर के बाहर डाल देगा? असंभव काम है, संभव ही नहीं है। ये निश्चित रूप से पाकिस्तानी उनका काम है। ऐसा लगातार हुआ, उसके बावजूद आपस में जो उंगलियां हैं इन्होंने गुत्थम गुत्था नहीं की एक दूसरे से, पांचों के पांचों चैन से, बौद्ध जैन सिख आर्य समाजी सनातनी। कड़वाहटें मिल जाती हैं, बेवकूफ़ी की बातें मिल जाती हैं, एक दूसरे के लिए तिल मिलाने वाली बातें मिल जाती हैं, मगर एक दूसरे की इंटेंशनली किसी को कष्ट देना, अगर को पता लगे कि कोई जैन लड़की किसी सनातनी लड़के से शादी कर रही है तो उसके परिवार के लोग उसकी जान को हत्या नहीं फैलाएंगे। कोई सनातनी लड़की किसी बौद्ध लड़के से शादी कर रही हो, मैं कई बार बताता भी हूँ, मेरे पड़ोस में एक सज्जन नवबौद्ध, उनके बेटे ने, वो जाटव हैं, उनके बेटे ने ब्राह्मणी से शादी की है, आराम से शादी की लड़के वालों ने, वैसे ही समधी के पैर धुलाए, वैसे ही दामाद के पैर धुलाए जैसे धुलाने चाहिए, जो नहीं परंपराएं, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस बात से किसी को एतराज हो। तो ये सबको सह लेना, सबका लिहाज करना, सबसे प्यार से मिलना, तुम स्वतंत्र हो अपनी बात कहने के लिए। बगदाद का जब पतन हुआ है, मंगोलों ने जब बगदाद की ठुकाई लगाई है और सब कुछ काट मारा, वही दवा जो इस्लामियों ने दुनिया के लिए ईजाद की थी उसी की घुट्टी उन्हें पिलाई गई, नतीजे में मार पड़ी, भाग ली वहां से। सबसे बड़ा शरण स्थल भारत था, आश्चर्यजनक रूप से सत्य है ये, सबसे बड़ा शरण स्थल भारत। भारत के लोगों ने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, गलत काम किया, चूंकि उन्हें आदत यहां की थी ना अपने वर्ग की, कोई अगर कोई दूसरी पूजा कर रहा है तो क्या उसने गुरु बदल लिया, इसकी चिंता नहीं की। और उसका नतीजा अब ये चिंतन हम सब के अंदर है कि क्या हम हिंदू मिट जाएंगे? नहीं मिटेंगे, निश्चित नहीं मिटेंगे, बशर्ते हम अपने सत्व के रक्षण के लिए खड़गहस्त हों। अपने सत्व के रक्षण के लिए हमको कानून अधिकार देता, अपने प्राण रक्षा के लिए हम आतताई का प्राण का वध कर सकते हैं। आतताई के वध करने की मानसिकता, पूज्य सावरकर जी का जो गीत है ना, स्वतंत्रते सुभगे सुजन पूजते अधम रक्त रंजते, अधमों के रक्त से रंजित है स्वतंत्रता, अमूल्य है ये, इसके लिए अधमों का रक्त चढ़ाना पड़ता है, और अधमों का नहीं अपना भी चढ़ेगा। इसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं? यदि हम नहीं हैं तो तय समझिए हम नष्ट हो जाएंगे, और हमारा नष्ट होना इस पृथ्वी से उस अंतिम दिए का समाप्त होना है जो शांति का, अहिंसा का, प्रेम का, सज्जनता का बीज है। ये बीज दग्ध हो गया तो सज्जनता दोबारा नहीं पनपेगी। जितने सेमिटिक रिलीजन है, जुडाइज्म हो, यहूदी, ईसाई, इस्लामी, तीनों के तीनों हत्यारी मानसिकता के लोग हैं। इनके मूल ग्रंथ पढ़िए, इनके ईश्वर को समझिए,
किसी जहन्नुम के दरोगा से भी ज्यादा दुष्ट यातना देने वाला है। अल्लाह जैसे मैं काफिर हूँ, मुशरिक हूँ, तो वो मुझे अनंत काल तक यातना देगा इसलिए कि मैं मुशरिक हूँ। मेरी खाल बदल देगा, मुझे जलाएगा, फिर खाल जल जाएगी तो फिर दोबारा खाल पर जला के बना के फिर मुझे जलाएगा। ये कुरान में ही है सब। क्यों करेगा? कि मैं भगवती जगदम्बा का उपासक हूँ, मैं अपने इस अधिकार को डिफेंड करता हूँ पूरी तरह से, पूरी उग्रता से। जैसे आपको अल्लाह मानने का अधिकार है, वैसे ही मुझे मूर्ति पूजे का अधिकार है। आप कौन है ये तय करने वाले कि वो सातवें आसमान बैठा है या पांचवें आसमान बैठा है, उसके तीन टांग हैं या पांच सूंड हैं, उसकी सींग हैं, क्या है, और वही है बाकी सब गलत हैं, ये तय करने वाले आप कौन हैं? जब तक मैं किसी को कष्ट नहीं देता, जीवन उसका संकट में नहीं आता, सभ्यता संकट में नहीं आती, राष्ट्र संकट में नहीं आते, संस्कृति संकट में नहीं आती, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। यही हिंदू धर्म है, बेसिकली ये धर्म है। हिंदू तो इसके साथ इन भद्दी मानसिकता वालों ने जोड़ दिया है। तो हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णु लोग हैं और हमको इंटॉलरेंट बताया जा रहा है, हमको इंटॉलरेंट बनाया जा रहा है। साधुवाद इंटॉलरेंट बनिए, यही मुक्ति का रास्ता है और कोई विकल्प नहीं है। यदि आप इंटॉलरेंट नहीं बनते तो इतिहास में जैसे डोडो पक्षी का नाम लिखा जाता है तो हुआ करता था, वो इतना सहज था, इतना सरल था, जो जाए उसके साथ बात कर, उसके साथ खड़ा होने को तैयार, नतीजा उसका अधाधुंध शिकार हुआ, नष्ट हो गया। हमारी भी स्थिति आएगी यदि हम असहिष्णु नहीं हुए। असहिष्णुता के पथ पर पैर डालिए। पौरुष का पथ है, वीरता का पथ है, विजय का पथ है। जय हिंदू राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।